आज 20 तारीख है गाइस, 20 जून, और आज हमारा प्रोग्राम है। मुझे भी नहीं पता था, कल रोशन भैया बता रहे थे कि आज का प्रोग्राम है करके शादी का, बेसा का, ताजबाग का उस रहने वाला है अगस्त की फर्स्ट वीक में, तो जुलाई के एंडिंग में काम चालू हो जाएंगे। तो गाइस हम लोग पहुंच गए बेसा मानेवाला के थोड़ा आगे, इडली की दुकान मिली, ईश्वर भैया खा रहे, बाकी हम लोग ने ऑर्डर किया। तो गाइस अभी साउंड चेक हो रहा है ना, साउंड चेक। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं कुणाल शेंद्रे, चैनल का होस्ट और आप सभी का दोस्त, लेकर आगे आपके लिए फिर से एक व्लॉग वीडियो। और इस बार थोड़ी जगह चेंज है अपनी, मतलब वही है अपने फेवरेट प्लेस वाली, मतलब जगह है, बट थोड़ा आगे हम अभी फिलहाल मैं दीदी को छोड़ने कंटिन्यू आ रहा हूँ, तो मैं ना रूट चेंज कर दिया। मतलब ये देखिए दो रूट है, ये हाईवे अपना समृद्धि हाईवे यहाँ से जाता है, तो एक उधर से जाता है, जो मतलब एक ही साइड से जाना ना करते लोग मैक्सिमम, तो यहाँ से है, दोनों साइड से है, यहाँ से जाने वालों के लिए और उधर से आने वालों के लिए, लेफ्ट और राइट साइड, बट लोग वहाँ से जाना ना करते, तो मैं भी वैसे कर रहा था, तो कुछ दिनों से मैं यहीं से जा रहा हूँ। और यहाँ पे भी देखिए बहुत प्यारा सीन लगता है ना, यहाँ से एक रोड, यहाँ से ऐसा कट, और नेचर देखिए यहाँ पे कितना भयंकर रहता है ना। अपनी फेवरेट प्लेस तो वो है ही, बट मैंने सोचा कि किसी न्यू जगह से स्टार्ट करते हैं, और यहाँ पे देखिए मैं 2-3 दिन से यहीं पे रुक रहा हूँ, तो अच्छी वाइस भी आती है ना। और आज मौसम देखिए, मौसम मतलब स्पेशल बादल, आप देख रहे होंगे मेरे पीछे में कैसे आ रहे बादल है ना, बाकी टाइम में सफेद सफेद है, मैक्सिमम टाइम तो सफेद सफेद ही मिलता है, आज बहुत भयंकर मिला है। आज 20 तारीख है गाइस, 20 जून, और आज हमारा प्रोग्राम है। मुझे भी नहीं पता था, कल रोशन भैया बता रहे थे, मैं कल ऑफिस तरफ गया था, मतलब चेतन भैया के घर तरफ, वहीं पर रोशन भैया मिले थे, चेतन भैया का घर और ऑफिस आजू बाजू में है ना, तो वही पकड़ लो। तो रोशन भैया बता रहे थे कि आज का प्रोग्राम है करके शादी का, बेसा का, और जहाँ तक मुझे याद है हमने लास्ट प्रोग्राम, मतलब मैंने 31 को ही बजाया था, 31 मई को हिंगना का, उसके बाद भी प्रोग्राम हुआ था 2 तारीख को शायद, बट मैंने गया था ना उसके बाद, तो मुझे याद नहीं, बजाया भी होगा। तो आज टोटली 3 हफ्ते के बाद मैं बजाने वाला हूँ, मैं मतलब हमारी पार्टी पूरी वैसे पकड़ो, 3 हफ्ते ना, अगर 2 तारीख को बाकी लोगों ने बजाया भी होगा, तो 18 दिन तो हो ही गए है ना। तो मैं सोच रहा था अभी तो कुछ गिने चुने प्रोग्राम है, मतलब ये महीना और नेक्स्ट मंथ के एंडिंग से चालू हो जाएंगे, भयंकर काम है ना, क्योंकि ताजबाग का उस रहने वाला है अगस्त की फर्स्ट वीक में, तो जुलाई के एंडिंग में काम चालू हो जाएंगे, और शायद 23 तारीख को भी हमको काम है, 23 तारीख का मुझे पक्का नहीं पता, बट 26 का है सुबह शाम का, हमारे घर के पास का है ना, तो उसका भी ब्लॉग बन जाएगा, और नेक्स्ट मंथ जितने काम होंगे उसके भी सभी ब्लॉग बना दूंगा मैं ना। बाकी जुलाई के एंडिंग से हमारे मतलब धुमाल लाइन वालों के कंटिन्यू काम चलेगा। अभी कैसा सीजन खत्म हो गया शादी का, और अभी कुछ है भी नहीं, बरसात में शादियां रहती नहीं, और संदल पालकी भी नहीं है ना, जुलाई के एंडिंग से तो संदल के काम चालू हो जाएंगे, उसके बाद अपने सीजन चालू हो जाएंगे हिंदू लोगों के है ना, जन्माष्टमी, उसके बाद पोला भी आएंगे, सबसे पहले पोला आएगा, उसके बाद जन्माष्टमी आएंगी, उसके बाद गणेश उत्सव, नवरात्र, फिर चलते रहेंगे। फिर वो हम धुमाल वालों को ना थोड़ा 2 महीने थोड़ा रेस्ट रहता है, रेस्ट भी बोल सकते हो या फिर टेंशन भी बोल सकते हो, बट जल्दी निकल जाते 2 महीने, कैसे निकल जाते पता भी नहीं चलता, अभी महीना तो भर्ती आ गया है ना, 10 दिन बाकी है सिर्फ। तो चलते गाइस आज इस व्लॉग को करते अपन एंजॉय, मैं खत्म बोल रहा था अभी, एंड मैं बोल रहा था, मैं जाऊंगा 3-3:30 बजे अपने ऑफिस पे, अगर उसके पहले गया तो मतलब जा सकता हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा अपना ताशा वगैरह ठीक है कि नहीं है, छड़ी वगैरह है कि नहीं सब, क्योंकि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो जाके देखूंगा, तो वहाँ पे कंटिन्यू करूँगा पहले जाऊँगा तो, या फिर वक्त पे जाऊँगा तो वक्त पे कंटिन्यू करूँगा। तो गाड़ी को करते स्टार्ट और चलते सिनेमैटिक्स लेते लेते हिंगना। मैं घर के लिए निकल गया था गाइस, बट ध्यान गया फ्यूल पे, फ्यूल कुछ भी नहीं, तो फ्यूल डाल लेते गुमगांव से। तो गाइस हम लोग अपने सावन की गाड़ी में हम लोग जा रहे प्रोग्राम पे, मैं बहुत लेट आया था है ना, तो उसी की वजह से अपने ऑफिस पे लॉक कंटिन्यू नहीं किया, तो अभी सीधा प्रोग्राम पे मिलेंगे।
तो गाइस हम लोग पहुंच गए बेसा मानेवाला के थोड़ा आगे, मतलब बेसा में हमारा प्रोग्राम है ना। हम लोग यहाँ पे देखे स्वामी समर्थ मंदिर है, श्री स्वामी समर्थ मंदिर। तो यही से बाहर निकलना है हम लोग ने एक महीने पहले मतलब पकड़ के चलो एक महीने के आसपास कुछ है, यही से प्रोग्राम बजे थे और अभी और इसी प्रोग्राम है। देखिए गाइस श्री स्वामी समर्थ मंदिर है ना, और इधर साइड में गाड़ी खड़ी है देखिए यहाँ पे। और अभी ना बहुत समय बाकी है प्रोग्राम मतलब प्रोग्राम चालू होने के लिए, क्योंकि अभी भारत आने की है, भारत आने के 15-20 मिनट बाद प्रोग्राम चालू होगा। तो पकड़ के चलो आधा पौन घंटा या एक घंटा भी बोल सकते, बहुत टाइम है, बहुत टाइम। अभी से आके क्या किया अपन ने, चाय पी लेते। कौन सा चाय दिख रहा है, टी टेक्निक कैफे, बाप रे। अरे वो ऑयल ऑयल डाल के होगा, टी टेक्निक कैफे बोल रहा था, देखते ना क्या है। तो गाइस सालों बाद हमारे चेतन भैया हमारे धुमाल के इसमें ट्रिपल जमा करते हैं, हमारे टीम मतलब सभी लड़के हैं, बट चेतन भैया जमा, चेतन भैया ने जमा किए। कैसे कैसे मतलब आज कैसे क्या आपका मूड हो गया काम करने का? मैं छपड़ गया भैया, पैसे के फूट के लिए। आप छपड़ गए भैया को है ना। बाकी ये देखिए चार भी दो पेटी गाड़ी पे परमानेंट है क्या, अभी बंदिश है ना। तो अपनी साउंड गाड़ी थोड़ी उधर खड़ी है मंदिर तरफ, हम लोग आए थे कुछ खाने के लिए, तो यहाँ पे इडली की दुकान मिली, ईश्वर भैया खा रहे, बाकी हम लोग ने ऑर्डर किया। थोड़ी देर में आएंगे इडली खाते और उधर चलते हैं ना, थोड़ा मस्ती करेंगे भाई लोगों के साथ। तो भाई इडली खा के हो गई है, अभी चलते चाय पीते। सरकारी दवा है अपनी, चाय के बगैर होता नहीं, तुमको होता क्या भैया? इनको चल जाता है इनका, ये सरकार, ये अलग किस्म का इंसान है ये, जो ये दिख रहा है आपको व्हाइट टी शर्ट वाला। और हमारा तो नहीं होता चाय के बिना। तो अभी हमको क्या मिला, टेक्निक वाली चाय कौन सी, मैं आगे आगे जाके बताता हूँ कंफर्म। चलते देखते क्या नाम है, वहीं पे बताता हूँ आपको वो कौन सी दुकान है चाय की, तो वहाँ चाय पियेंगे ना। तो ये देखिए गाइस ये है टी टेक्निक कैफे, यहाँ पे पीते अपन चाय अभी। तो ये थी गाइस टी टेक्निक कैफे, यहाँ पे चाय पिए हमने। कितने रुपए की चाय थी, एक ₹10 की, मतलब ना प्राइस नॉर्मल था और चाय में अदरक थोड़ा ज़्यादा था, मतलब महंगा भी रहेगा अदरक, तो भी आपको अदरक की चाय पीना है तो यहाँ पे आ जाना आपको सस्ते में, मतलब ₹10 में अच्छी चाय मिल जाएंगे अदरक वाली ना, अदरक की क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा थी चाय। तो भाई 5:45 हो गए ये सूरज दादा अपने गांव जाते हुए, बट हमारी गाड़ी यहीं पे खड़ी है अभी तक के 12-3 है। कैसे लग रहा है ईश्वर भैया आपको? मेरे को तो, अरे तुम 3 बजे फोन की बात कर रहे हो, मेरे को 3 बजे फोन आए थे आया नहीं तो आए थे। रोशन भैया क्या बोले मालूम, 4 बजे प्रोग्राम चालू हो जाएगा, बोले 4:30 तक के, 4:30 पहुंच गए थे हम लोग, 6:15 अभी तक के, 12:30 नहीं है। मतलब ये देखो सूरज दादा अपने गांव जा रहे हैं लेकिन दूल्हे की बारात नहीं है अपने गांव से, मतलब उसके गांव से है ना यार। क्या अभी देखते कितना टाइम लगता है, और तो भाई यही नहीं पूरा था हमको, जो बारात लेट आती नहीं पूरा था, अभी 1.5 घंटा हो गया टोटली, 1.5 घंटा होते आ गया बट अभी तक के बारात आने की। देखते हैं बारात कब आती क्या आती, तो तब तक के बैठे रहते हैं मंदिर के पास ही बैठे हम लोग, यही से बारात चालू होने वाली। तो गाइस अभी दत्ता भैया को पूछते, दत्ता भाई कितना टाइम हो गया, टाइम बताओ, टाइम दिखाओ, दिया टाइम दिखाओ बच्चे। अरे आ कितना होगा, 3:22 3:22 हो गया ना, आधा घंटा चालू है। और सच रियली वाला टाइम, रियली वाला टाइम बताओ, टाइम टाइम टाइम, ये 6:06 सॉरी 4:04 4:04 भाई, और आधा घंटा अभी प्रोग्राम चालू होने वाला है, 4:00 हमारे, 4:04 कांग्रेचुलेशन, 4:00 कांग्रेचुलेशन, 4:00 अभी प्रोग्राम चालू होने वाला अपना। तो ये देखो दूल्हे की गाड़ी यहाँ पे है ना, अबे कौन तो बारात अभी आ गए गाइस, 6:30 है ना, रियलिटी अभी मजाक चालू थी, मतलब अभी 6:30 और बारात आ गई। देखिए यहाँ पे ये बारातियों की गाड़ियाँ और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, बाजी वगैरह उतार दिए, साउंड चेक होने का है बस, मतलब अभी करेंगे थोड़ी देर में, टाइम है थोड़ा और है ना भैया, और थोड़ा टाइम है ना, 15 मिनट टाइम है ना, 4:00 के लिए थोड़ा टाइम है, तो 3:45 मतलब 3:55 पे साउंड चेक चालू होगा, 4:00 तक के रेडी, 4:00 पार्टी चालू है ना। टोटली हम लोग 3 हफ्ते के बाद ऑर्डर बजा रहे हैं ना, कैसे लग रहा है आपको? इच्छा नहीं हो रही बजाने, ईमानदारी से बताओ ना, तो कल तक बहुत भयंकर कमर दर्द दे रही थी, क्योंकि अपने को काम नहीं रहता ना तो कमर दुखती। हाँ। आज बजाएंगे ऑर्डर, कल और ज्यादा दुखेंगी। नहीं तो अभी जो बजाने की इच्छा हो रही की नहीं, वो कल का कल मैं क्या बोल रहा था, अपने चेहरा देखो समझो, हाथ दिखाना, हाथ मैं बोला ऑर्डर होने के बाद हाथ दिखाना कैसे हो तुम्हारा, है कि नहीं? तो गाइस अभी साउंड चेक हो रहा है ना, साउंड चेक होने देते और फिर करते पार्टी शुरू, बाकी ये सब लोग भी बजाने के लिए उतावले हो रहे हैं, दिन हो गया ना बजाए ना, तो सभी लोग उतावले हो रहे बजाने के लिए। गौरव भैया जी मिलते, गौरव भैया कैसा लग रहा है बहुत दिनों बाद आपको ऑर्डर करके, चालू होने के बाद मजा आएगी, नहीं आपको कैसा लग रहा है ऑर्डर पे आके बहुत दिनों बाद, अच्छा लग रहा है ना?
तो गाइज हमारा प्रोग्राम हो चुका है खत्म। हम लोग शुभारंभ हॉल में लगा दिए, मतलब पहुंचा दिए दूल्हा। और अभी देखिए हम थोड़ा जा रहे हैं, जल्दी में जा रहे हैं। कहाँ जाना? भिलाई। भिलाई जाना, भिलाई का ऑर्डर आया है तो अभी चलते हैं ना। बहुत भयंकर रोड जाम हो गया गाइज, मतलब गाड़ी पलट के नहीं आ सकती, तो दूसरे रोड से गाड़ी ला रहे। अरे वैसे तो अपने नाम में चंगा रहे ना भी, आगे नहीं अपने नाम भी चंगा रहे, लेकिन रियलिटी बता देता हूँ। नाम में तो अंगर है लेकिन रियलिटी ऐसी है, ट्रैफिक बहुत, मतलब गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चलती है रोड से, रोड है छोटा, इसकी वजह से जाम हो गया रोड। ये तो 5-10 मिनट की बारात थी तो अच्छा ठीक है, एक आध बार संदल पाल के निकली ये रोड से तो हो गया। पब्लिक सीधा पुलिस वाले को फोन लगाते, सर जय लाऊ करिया जेएमडी को, जेएमडी पे कुछ थोड़ी है, जेएमडी नहीं मतलब जो भी पार्टी लगेंगी या डीजे वीजे। बहुत भयंकर जाम हो गया था 2 मिनट के लिए। तो अभी गाइस 8 बज गए, हम लोग 6 बजे खाली होने वाले थे, फ्री होने वाले थे, बट अभी 8 बज गए है ना। हम लोगों ने ना गाइस इसके पहले भी 3-4 बार वही हॉल में शादी लगाई, मतलब दूल्हा पूछा है, बट ऐसा सीन आज तक नहीं देखने को मिला। क्या चेतन भैया, इसके पहले भी अपन ने शादी लगाया है ना, बट हम किसी और को पूछते, अनुभव भैया को। अनुभव भैया, इसके पहले भी अपन ने ये वाले हॉल में शादी लगाई, लेकिन ऐसा सीन क्रिएट हुआ क्या अभी तक के? बहुत भयंकर, 2 मिनट के लिए तो ऐसा लग रहा था संदल निकला है ना, अच्छा नामचीन इंसान का है कि नहीं। और इनसे मिलो गाइस हमारे धुमाल के क्षेत्रीय मास्टर कलू भैया। कलू है कि कलू है? एक बड़ा बोल आपला नाव काय? दीपांशु। नाही आडनाव, आडनाव कडू। हां करू, चांगला ना बोल, चांगला ना कडू, कडू कडू। एक हेमन कामन क्या बोलने लगा जिसको, इकडे इकडे ना, इकडे ना वे। तो गाइस गाड़ी आ गई, सामान रख देते और चलते घर की ओर। तो हम लोग आ गए थे गाइस बस स्टॉप पे बेसा के, मतलब बस स्टॉप पे ही बैठते थे, गाड़ी का वेट कर रहे थे हम लोग। इधर आगे आ गए थे पानी पीने के लिए, पानी बोतल लेने के लिए, वहाँ पे पास में शॉप नहीं थी तो अभी गाड़ी आने को थोड़ा टाइम है, तो ईश्वर भैया का कहना चाय वही पीते। ईश्वर भैया चाय पी ले रहे क्या आप? ईश्वर भैया जब साथ है तो डरने की क्या बात है ना, तो वो चलते चाय वाय पीते, गाड़ी को थोड़ा समय है। तो गाइस आपको पता है हमारा प्रोग्राम खत्म हो गया था 8 बजे और हमको 9 यही पे बज गए। हम लोग कब से आए यहाँ पे, चाय भी पिए हम लोग, गाड़ी से कम 1.5-2 किलोमीटर आगे आ गए थे तब जाके। अभी कोई गाड़ी आ रही है अभी रास्ते में, दिख रही क्या गाड़ी है क्या वो दिख रही थी? अरे मेरे को लगा गाड़ी है, ऑटो है वो, तो गाड़ी आने की आ रही है, मतलब देखो 1 घंटा और यहाँ पे खत्म हो गया हमारा। ये देखो गाइस थोड़ी थोड़ी आपको दिख रही है, पता नहीं मैं झूम करता हूँ, ये देखिए आ रही है गाड़ी थोड़ी थोड़ी है ना, दिख रही है अभी, दिख रही है त्रिपाल डालती है गाड़ी को। तो गाइस हम लोग पहुंच गए थे हमारे ऑफिस पे, सभी लोग चले गए, सभी लोग मतलब मैक्सिमम लोग चले गए, कुछ 4-5 लोग हैं हमारे, दशा मास्टर समीर भैया, ढोल मास्टर कार्तिक भैया, इधर अक्षय भैया, और इधर कौन है, प्रणय भैया है ना। तो अभी सेटर भी बंद हो गया है, अभी चलते हैं सीधा घर। अभी ऑर्डर कब है भैया? 23 को है ना, 23 को है, गुमगांव से दूल्हा निकलना है बोलते, और नक्षत्र लॉन हिंगना से जो रोड जाता है गुमगांव के लिए वो रोड पे लॉन है, वहाँ पे शादी लगाना है। तो 23 को मिलते हैं व्लॉग, मतलब 23 का व्लॉग लेके मिलते हैं 24 तारीख को है ना। तो इस व्लॉग को करते हैं अपन खत्म। कार्तिक भैया एक बार बोल दो व्लॉग अच्छा लगा होगा, लाइक करना करके, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, मिलते हैं तब तक, बाय, तब तक बाय।